सुंदर कुमार, आई एम डायरेक्टर ऑफ डॉक्टर एंड कैरियर गाइडेंस और आज मैं तरनोपी नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाई हॉस्टल थर्ड में हूँ और मैं यहाँ पे थर्ड में यहाँ के हॉस्टल फैसिलिटी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, ये है कॉरिडोर जैसा कि आप देख रहे हैं। ये है किचन, जो स्टूडेंट सेल्फ कुक करना चाहता है उसकी व्यवस्था कर दिया गया है। ये है डाइनिंग रूम, लाइट जलाते हैं। स्टूडेंट्स कपड़ा साफ करके इसमें आराम से सुखा सकते हैं। अब हम लोग रूम में आ गए हैं। ये यहाँ पे फ्लोर पे ब्लॉक बाई ब्लॉक सिस्टम है, जैसा कि देख रहे हैं रूम नंबर 181, रूम नंबर 182 और हर एक ब्लॉक पे एक सेपरेट जो कि बाथरूम दिया गया है। ये है जैसा कि आप देख रहे हैं, ये शोवर है, यहाँ पे ड्रेसिंग है और ये जो आप देख रहे हैं ये इमरजेंसी अलार्म है। अगर हॉस्टल में किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम होती है तो ये अलार्म बेल जो कि शो हो जाता है। जो कि ये है टॉयलेट, ये देखिए कितना वेल फर्निश्ड है, क्लीन है। और आप चलते हैं रूम में, यहाँ पे देखिए अपने इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राहुल कुमार है। राहुल कुमार, राहुल जी आप कहाँ से हैं? बिहार भोपाल से हैं। बिहार भोपाल से, किस ईयर में हैं? हम सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर स्टूडेंट्स हैं। क्या आप पढ़ाई कर रहे हैं? अभी मैं अभी सर्जरी पढ़ रहा हूँ। सर्जरी? अच्छा अच्छा, ये टोपोग्राफिकल एनाटॉमी ऑपरेटिव सर्जरी, ऑपरेटिव सर्जरी आप पढ़ रहे हैं जी। ये फुल इंग्लिश मीडियम पढ़ाई कर रहे हैं जी? बिल्कुल, लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे फुल इंग्लिश मीडियम पढ़ाई होती है यहाँ पे। और हर क्लास के बाद यहाँ पे टेस्ट लिया जाता है, इससे बच्चों को मतलब थोड़ा रिकॉल करने में या फिर उनको मतलब याद करने में कोई दिक्कत ना होता है। हमेशा क्लास में अधिकतर चीजें याद हो जाती हैं, घर में आने के बाद और मेहनत करना ही पड़ता है। आप लोग को यहाँ पे डाइजेशन वगैरह दिखाया जाता है? जी हाँ, डाइजेशन मतलब अभी हम लोग शुरू नहीं हुआ है, लेकिन हॉस्पिटल रोटेशन सेकेंड ईयर में फोर्थ सेमेस्टर के बाद होने लगता है। अच्छा अच्छा, ये जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये टू बेड का जो कि रूम है। और ये देखिए ये कवर दिया गया है सामान वामान रखने के लिए। ये स्टडी टेबल है। यहाँ के हॉस्टल में वेल फर्निश्ड हॉस्टल है जैसा कि आप देख रहे हैं और हर रूम में स्टडी टेबल हर स्टूडेंट के लिए दिया गया, जैसा कि दो बेड है और दो जो कि चेयर है, स्टूडेंट्स आराम से स्टडी टेबल पर स्टडी कर सकते हैं। ये देखिए एक छोटा सा कवर्ड है कॉपी ओपी रखने के लिए, जनरल सामान रखने के लिए। और ये देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं ये है कवर्ड, इसमें लोग आराम से, बड़ा सा कवर्ड है, इसमें कपड़ा वगैरह जो भी है स्टूडेंट्स इजीली रख सकते हैं। हर एक स्टूडेंट का एक सेपरेट कवर्ड है, दो बेड का ये रूम है, दो चेयर लगा हुआ है स्टडी करने के लिए, दो कवर्ड लगा दिया गया है, दो अलमारी है जैसा कि आप देख रहे हैं। रूम देख लीजिए, ये वेल फर्निश्ड है। राहुल जी जी, आप बिहार से हैं तो बिहार के से आने वाले स्टूडेंट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बस यहाँ पे बिना सोचे मतलब आप आ सकते हैं, यहाँ पे ज्यादा कोई सोचने की बात नहीं है। ये यहाँ पर बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है पूरे यूक्रेन में और यहाँ पे अदर एग्जाम्स के लिए जैसे आईफोन वगैरह है सबका भी बढ़िया से तैयारी कराया जाता है यहाँ पे। और ऐसा बताया था आप लोगों को यहाँ पे एमसीआई क्लास लगता है? एमसीआई क्लास जी बिल्कुल लगता है यहाँ पे। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत। और इंडिया में काफी पेरेंट्स लोग का क्यूरी होता है, कंफ्यूजन होता है कि वहाँ पे पढ़ाई नहीं बढ़िया से होता है,
वहाँ पे इंग्लिश मीडियम पढ़ाई नहीं होता है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे पेरेंट्स को ज़्यादातर बढ़िया से पता नहीं होता है कि वो यहाँ आने से, बच्चों को भेजने से पहले बहुत सारी बातें होती हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं। यहाँ पे आने के बाद हर एक चीज़ क्लियर हो जाता है, यहाँ पे कोई ऐसा दिक्कत नहीं होता है। बच्चे यहाँ आते तो उनको खुद पता चल जाता है। किस कंपनी के थ्रू आप यहाँ आए हैं? मैं यहाँ डॉक्टर्स कैरियर गाइडेंस के थ्रू आए हैं, आपके थ्रू आए हैं हम। आपके थ्रू कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे यहाँ आने में। आपने बढ़िया से मेरा सारा काम करवाया यहाँ पे, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इंडिया में आपको जितना भी चीज बताया गया था वो सारी चीज़ यहाँ पे? बिल्कुल, कोई कहीं दिक्कत नहीं यहाँ पे। इंडिया से यूनिवर्सिटी में एडमिशन तक का प्रोसेस में कहीं भी किसी भी कोई दिक्कत? अच्छा, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहते हैं, आपको तो बहुत सारी चीज़ें बताए भी थे और वो बताता भी है, आप उनको एक क्वेश्चन और आपके लिए है। लोग जनरली पूछते हैं कि यहाँ पे इंडियन खाना मिलता है कि नहीं? ऐसा मतलब थोड़ा सा तो होता है, लेकिन मतलब यहाँ पे इंडियन कुक वगैरह भी है, मैस वगैरह भी है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। इंडियन खाना पूरी वेल सेटिस्फाइड यहाँ पे मिलती है। अच्छा अच्छा, सारी चीज़ कम्प्लीट? जी जी बिल्कुल कम्प्लीट। ठीक है, आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? हमारा शिवम शर्मा। आप कहाँ से शिवम जी? हम सहारनपुर यूपी से। सहारनपुर यूपी से हैं जी। आप इसी रूम में रहते हैं? ये हमारा बेड है, ये भाई का बेड है। अच्छा अच्छा, तो दोनों आदमी को स्टडी करने में कोई तरह प्रॉब्लम नहीं होता? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बाहर से देखिए, अगर बाहर से बाई चांस आवाज भी आती है ठीक है, तो गेट बंद कर लीजिए, कोई आराम से, आराम से लाइट है, आराम से पढ़। आप यूपी उत्तर प्रदेश से है, तो उत्तर प्रदेश के जो स्टूडेंट आना चाहते हैं सर लोग, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बहुत 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 स्वागत है आपका, आप आइए, आप खुद ही कहेंगे कि हाँ हमारा डिसीजन गलत नहीं था। We were correct, we were right. So, thank you. Yeah, thank you. Okay.